आप में से दोस्तों अगर कोई ये कहता हो कि बूडमो की टीम कभी जवाब नहीं देती है, ये है पूरा का पूरा बूडमो का हब। सीईओ ऑफ बूडमो इंक्वायरीज रिजॉल्व कर रहे हैं लोगों की, फेसबुक के कंसर्न रिजॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर कितने टिकट्स ओपन है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट इंस्टॉल। पहली चीज मेरे पास आई है ये कोई लेटर नहीं है, ये आया है मेरे पास कस्टम कीचेन हमारी स्कूटी का, जिसपे आज हम जाएंगे। पहले खोल के दिखाता हूँ एक्चुअली कैसा लगता है ये। वैसे ऐसे ही प्यार बरसाते रहा करो, हमें भी मोटिवेट होने में मजा आता है। यूट्यूबर हो, कोई बिजनेस हो, दुकान हो, हमेशा उसको उठने में लगता है टाइम, और वो तभी उठ पाता है जब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। इवन अब नई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही हैं, वो भी जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही हो सकता है कि कल को जाकर गाड़ियों के ऊपर सोलर पैनल लग के आए, इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियां भी आ जाए। अभी आज हम फिलहाल जाएंगे स्कूटी पर अपने गुड़गांव, और ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है, ध्यान रखना। इस वीडियो के 2 पार्ट में बनाऊंगा। ये मेरे पास आए कस्टम फैक्ट्री की तरफ से, जिसके ऑनर है मानव ने दरअसल मुझे ये बड़ा एक प्यारा सा कह सकते हो कीचेन भेजा है। लगाकर भेजा है, जो कि एक्चुअली कस्टमाइज मैंने ही करवाया था, और बहुत ही प्यारा कस्टम कीचेन है। दरअसल इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम का जाकर आप चेक जरूर कर लेना, बहुत ही प्यारा बनाया है। मैं आज जाऊंगा आज अपनी ही स्कूटी पे, जिसका नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मेहनत की कमाई की खरीदी थी। इससे पहले मैं ये यूज करता था, अब मैं इसको चेंज करके ये लगा लेता हूँ। इस तरीके की कुछ मेरी जुपिटर की चाबी हो चुकी है। वैसे बाय द वे कोई ये मत बोलना यार, पुराने को भूल गया, इसे लेके दूसरी चाबी में डाल दूंगा। चेंज लाइफ का पार्ट है, हमेशा चेंज करते रहना चाहिए और प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। लाइफ के अंदर अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो चेंज करना सीखो, चीजें पकड़ के बैठ जाएगा तो उसका फायदा नहीं है, बाकी वो आपकी इच्छा है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, उन सबसे पेमेंट लेते हैं। और ये वाला इससे स्टिकर लग रहा है, स्टिकर नहीं है, ये प्रॉपर गोदा हुआ है और उसके अंदर कलर भरा हुआ है। अमेजिंग वर्क बाय मानव, चेकआउट जरूर करना। हम चलते फटाफट गुड़गांव, बताता हूँ आपको क्या बात है। आज मैं हूँ बूडमो के हेडक्वार्टर में, और बहुत सारे आप लोगों के सवाल होते हैं जिसका आज मैं यहाँ पर लेने आया हूँ जवाब। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम बूडमो से रिलेटेड, बूडमो के ऊपर वैसे ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीजें कि आपको ऑर्डर कैसे करना है, या फिर आपको कैसे कैसे प्रोडक्ट चूज करने हैं, ऐप है, वेबसाइट है, अपनी गाड़ी के ऊपर से सर्च कैसे करना है, ये सारी चीजों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जो कि आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं यश। कस्टमर के जितने भी सवाल होते हैं, मेरा ऑर्डर कहाँ है, किधर है, या मेरा ऑर्डर अब तक क्यों नहीं आया, आपने अगर कोई सवाल रेज किया है डिले वगैरह हर चीज को लेकर, तो उस चीज के जवाब मैं आज इनसे मांगता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश और मैं देखता हूँ कस्टमर से रिलेटेड सारी क्वेरीज बूडमो पर। कंपनी ने 2015 में स्टार्ट किया था, मैंने इस कंपनी को 2016 में ज्वाइन किया था। आई हैव सीन दिस कंपनी ग्रो, मेहनत करके हम लोग काम करते हैं जस्ट सो कि हम कस्टमर की पूरे तरीके से मदद कर पाएं, जो एक पूरा बिखरा हुआ सा मार्केट है इसको एक फ्लो में लाने के लिए, जिससे कि हम अपनी सर्विसेज को और भी फर्दर इम्प्रूव कर पाएं। हाँ, मेरी टी शर्ट को देख के लोग बोलेंगे तो सही कि पैसे कितने दिए, बट हाँ ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि मेरा मन करता है एक्चुअली मैं आप लोगों को एक रियलिटी से मिलवाने का, आज से कुछ सालों बाद जो एग्जैक्टली होने वाला, जो यहाँ नहीं बाहर की कंट्रीज के अंदर ऑब्वियसली होता है, वो पार्ट्स ऑर्डर करते हैं, उनके पास पार्ट्स आते हैं, जो शायद मैं चाहता हूँ कि कल को यहाँ पर भी हो। बहुत से लोगों के कई सारे कैजुअल क्वेश्चंस थे जो मैंने एक पुरानी अपनी वीडियो के अंदर ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिए थे, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख सकते हो उस वीडियो को आप। यहाँ पर मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कुछ नए, जो कि कई लोग नए नए आरोप लगाते हैं या नई नई बातें बोलते हैं, वो सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आज इनसे मांगना चाहता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको बूडमो क्यों चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला रीजन, आप जॉब करते हैं। दूसरा रीजन, आपके पास वक्त नहीं है। तीसरा रीजन, ऐसी बहुत सी चीजें हैं मार्केट में जो आप ढूंढते ढूंढते थक चुके हो, लेकिन आप अपना पेट्रोल, टाइम, ये सब फूकते फूकते कहां तक चले जाओगे आखिर? आप ज्यादा से ज्यादा चले जाओगे अपने घर या फिर आसपास के कुछ इलाकों में, लेकिन बूडमो एक ऐसा ब्रांड है या ऐसी कंपनी है जो कि आपको यहां नहीं, सिर्फ इस जगह में नहीं, इंटरनेशनल तक आपका प्रोडक्ट ढूंढ कर देती है। अब यश जी बताएंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है। पार्ट्स जो है बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते और आप लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी अगर आप खुद मार्केट में जाके पार्ट सर्च करेंगे। आप लोग ज्यादा दूर तक जा भी नहीं पाएंगे सर्च करने अपने पार्ट को, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ
टाइम कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमारे तीन अलग अलग जगह सॉर्टिंग सेंटर्स हैं, हमारे वेयर हाउसेस हैं दिल्ली में, जयपुर में और बैंगलोर में। हर एरिया में आपके पार्ट्स को सर्च करते हैं और हम ट्राई करते हैं जितना जल्दी हो सके उसको अरेंज करवा सके। इसके अलावा हमारे पास वेंडर्स बाहर बेस्ड हैं, अब्रॉड में, दुबई, फ्रॉम यूरोप आल्सो। कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि मेरी कुछ कंप्लेंट्स थी बूटमो को लेकर, मैंने पार्ट ऑर्डर करे और मेरी कुछ इंक्वायरी आई, मैंने इंक्वायरी डाली। तो इंक्वायरी कैसे डालते हैं पहले तो अब मैं चाहूंगा लोगों को आप ये सिखा दो, इस बात में कितनी सच्चाई है ये भी चाहूंगा कि आप लोगों को दिखा दो। कई बार तो लोग अपना ईमेल चेक नहीं करते हम, बिकॉज ऐसी एक भी ईमेल क्वेरी नहीं होती जिसमें हम लोगों का आंसर नहीं जाता, वी आंसर टू एवरी सिंगल क्वेरी। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है पब्लिक हॉलीडेज और गजेटेड हॉलीडेज की वजह से। मैं और मेरी टीम हम इंश्योर करते हैं कि हर एक सिंगल क्वेरी जो कस्टमर की है वो आंसर हो। मैं आपको तरीके दिखा देता हूँ आप कैसे क्वेरी रेज कर सकते हैं। तो आप जब bootmo.com वेबसाइट पे जाएंगे आपको राइट हैंड साइड पे ये बटन आपको दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी रेड कलर का सपोर्ट का ऑप्शन है। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, आपको यहाँ पे अपनी क्वेरी डालनी है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जिस्टिंग ऑर्डर क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, हमारी जरूरत है स्पेयर पार्ट को फाइंड आउट करने में, आपको रिफंड या रिटर्न से रिलेटेड कोई क्वेरी है, डिलीवरी से रिलेटेड कोई इशू है, आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन चूज करके और डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां से क्वेरी भेजेंगे हमारे पास पैनल पे हमारे पास क्वेरी आ जाएगी, इधर से हमारी टीम काम करती है आपकी क्वेरी को आंसर करने पे। देयर इज नो चांस कि आपके टिकट पे, आपकी ईमेल क्वेरी पे आपको रिस्पांस ना मिले। हमें ईमेल डालते हैं तो आप अपना ईमेल चेक भी कीजिए कि हमारा रिवर्ट आया है या नहीं आया दूसरी क्वेरी रेज करने से पहले। अगर आपको अपने इनबॉक्स में क्वेरी नहीं मिल रही आप एक बार अपना स्पैम फोल्डर चेक कर लीजिए या फिर आप सिंपली अपने ईमेल पे जाके bootmo टाइप करिए और आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास जितने भी bootmo से ईमेल है वो आपके पास आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा आपका रिवर्ट आया है या नहीं। सर यहाँ पर एक पर्सन का क्वेश्चन आया था मेरे पास जिन्होंने कहा व्हाई कुड नॉट दे डिलीवर सीओडी, कंज्यूमर कैंट हैव रिस्क ह्यूज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी लॉस एज bootmo सर्विस इज ऑलमोस्ट बिजी, व्हाट यू से अबाउट इट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सीओडी क्यों नहीं देते हो और अगर कंज्यूमर को कोई दिक्कत है या आपके अपने हार्ड एंड मनी से वो ऑर्डर कर रहा है तो वो हो सकता है आप उनके पैसे लेके भाग जाओ। जो आपने क्वेश्चन पूछा आपने खुद ही उनका आंसर दे दिया। ऑनलाइन पेमेंट का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये पेमेंट का एक डिजिटल फुटप्रिंट रहता है, देयर इज नो स्कोप ऑफ फ्रॉड। आप जो पेमेंट करेंगे उसके पास आपके पास एक डिजिटल रिसिप्ट रहेगी, आपके बैंक को पता होगा आपने किसे पेमेंट करी है, किसके अकाउंट में पेमेंट करी है और उस डिजिटल रिसिप्ट को यूज करके आप कहीं पर भी हमारे ऊपर केस कर सकते हैं इनकेस अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। सीओडी में ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज आपने पैसे नहीं दिए होते, आपका ऑर्डर आ गया है, आपके ऑर्डर के साथ डिलीवर हो रहा है नहीं होगा कुछ नहीं पता बिकॉज यू हैवंट पेड। यहाँ पे आपने हमें पैसा दे दिया है, आपकी मनी पूरे तरीके से सेफ है। क्यों? क्योंकि उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, इट इज सेफर, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। और यही रीजन है कि हम ऑनलाइन पेमेंट और प्री पेमेंट का मोड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ कैश ऑन डिलीवरी। जो दो पेमेंट गेटवे हमारे पास अवेलेबल है रेजर पे और पेटीएम, दे आर द सेफेस्ट। ऑलमोस्ट सारी मेजर कंपनीज जो है ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट्स उन्हें ही यूज कर रहे हैं जस्ट टू मेक योर पेमेंट सिक्योर एंड फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रॉड। सपोज आपने पेमेंट कर दी, इसी बीच में डिलीवरी होने से पहले पार्ट आपके पास कहीं और से अरेंज हो गया है, आपको कहीं और सस्ता पार्ट मिल गया, तो आप सिंपली ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका पार्ट डिलीवर हो गया और आपको लगा कि पार्ट सही नहीं है, इट्स नॉट अप टू द मार्क, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर आपको ये लगता है कि ये जेन्युइन नहीं है, आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। वी विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, पार्ट शुड बी अनयूज, उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस या कोई ग्रीस ऐसे मार्क नहीं होने चाहिए और जो उसकी OEM पैकेजिंग है जिस पैकेट के अंदर वो आता है वो इंटैक्ट होना चाहिए। आप रिटर्न करवा सकते हैं, हम आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। एक भाई साहब का क्वेश्चन ये भी है कि मेरा ऑर्डर अब तक पेंडिंग में दिखा रहा है, उसका रीजन क्या है? जैसे कि आपको पता है एक गाड़ी में 30,000 से 35,000 पार्ट होते हैं, बड़े से बड़े वेंडर्स को भी इतने सारे पार्ट स्टॉक में रखना इज इम्पॉसिबल। अगर पार्ट स्टॉक में होता है तो हम उसको विद इन टाइम डिलीवर कर देते हैं, बट इन केस अगर ऑर्डर बैक ऑर्डर में चला जाता है, बैक ऑर्डर का मतलब यहाँ पे होता है कि पार्ट मैन्युफैक्चरर के पास ही अवेलेबल नहीं, उस केस में जो ऑर्डर है सर्टेनली डिले हो जाता है, बट तब भी हम कस्टमर को ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि वो ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, अपना पैसा वापस ले सकते हैं और वो ट्राई कर सकते हैं कहीं और पार्ट अरेंज करने का। और इसी बीच में अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैं खुद पार्ट अरेंज कर लेता हूँ, आप कैंसिल कर दीजिए, अपने ऑर्डर पैनल पे जाइए, कैंसिल का बटन दबाइए, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कुछ भाई साहब ने मेरे से ये भी सवाल करें कि मेरे पास कैंसिलेशन का बटन नहीं आ रहा है। तो शाहरुख ये चीज़ टेक्निकली तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज हमारी जो एप्लीकेशन है और जो हमारी वेबसाइट है वो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है जिससे ऐसा कोई ग्लिच आना पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल अगर ऐसा कुछ आता है
तो आप हमें सपोर्ट पे लिख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। एक कस्टमर थे जिन्होंने मुझसे बोला कि ऐसी कंपनीज को प्रमोट मत करो बिकॉज ये फ्रॉड वगैरह करते हैं, ये वो, इनका कुछ अता पता नहीं है। तो वैसे मैं पूछना चाहूँगा कि अता पता नहीं है तो मैं एक जेन्युइन इंसान को कैसे लेकर अपने साथ बैठ सकता हूँ जो बोर्डमो से बिलोंग करता हो। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, अगर कोई कहता है कि मैंने अपने पैसे लॉस कर दिए हैं, मेरे पास मेरा पैसा नहीं आया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो इस बात का मैं जवाब इस बात से शुरू करूंगा कि आपने ऑनलाइन पेमेंट की है, आपके बैंक को पता है आपने किन के अकाउंट में पेमेंट की है, तो फ्रॉड होने का चांस सबसे पहले यहाँ खत्म हो जाता है। सेकंड चीज, अगर किसी भी स्टेप पे, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको लगता है आई कैन नॉट ट्रस्ट बोर्डमो, इनकेस आपको लगता है, आपके पास कैंसिलेशन का ऑप्शन है, आप कैंसिल करके अपना पैसा वापस मंगा सकते हैं। हमारी इकोनॉमी का डिजिटलाइज होना बहुत जरूरी है, जिसमें बोर्डमो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये भी बोला है सर कि आपके खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट रजिस्टर हो रखी है। लोगों का क्या होता है, लोग नेगेटिव इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं यूजुअली ऑनलाइन रेदर देन पॉजिटिव वन, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो ये नॉर्मल चीज, तो नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस करना इज अ लेजिट थिंग। बट कंप्लेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हमने फ्रॉड किया है। इफ यू कैन प्रोवाइड अस वन सिंगल प्रूफ देयर हैज बीन अ फ्रॉड, या फिर आपने पेमेंट दी है और हमने आपको डिनाई कर दिया है पैसा वापस करने में, दैट इज अ फ्रॉड जो कि हमारी कंपनी नहीं करती। जेन्युइनली बताओ, मैंने इन भाई साहब से पूछा था पर्सनली कि क्या है, और मैंने पूछा था कि ईमेल करो, तो इनका कोई खास जवाब नहीं आया। जब मैंने इनसे बोला कि ज़्यादा कुछ है तो अपनी आईडी, जो ऑर्डर आईडी आप मुझे दे दो, लेकिन इन भाई साहब की ऑर्डर आईडी मेरे पास आज तक नहीं आई है। उसका रीज़न हो सकता है शायद इनका इशू रिजॉल्व हो गया हो, लेकिन इसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेरे जवाब को देना ज़रूरी नहीं समझा। तो अगर फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपली हमारे सपोर्ट ऑप्शन पर जाके आप क्वेरी रेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी पूरी मदद करे। किसी भाई ने मुझसे पूछा है, ऑर्डर कर दिया है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी 5 दिन की थी, 10 दिन हो गए हैं, ऑर्डर नहीं आया है, मैं चीटेड फील कर रहा हूँ, क्या कहना चाहोगे? कोई चीटिंग नहीं हो रही है, आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, क्योंकि आपके रेगुलर अपडेट्स आपके ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे रेगुलरली हम प्रोवाइड करते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल अभी कितना है और नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या होगा, सारी डिटेल्स आपकी ईमेल पे आपको दी जाती है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आप उसी टाइम पे अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। आपका पैसा हमेशा आपकी रीच में है, आप जैसे ही कैंसिल करेंगे विद इन 24 आवर्स ऑटोमेटिकली आपका रिफंड जनरेट हो जाएगा, जो नॉर्मल बैंक टाइम लेता है 5 to 6 days, इतने टाइम में आपका अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। किसी का सवाल था जो ये कह रहा था कि मैंने ऑर्डर कर दिया है लेकिन अब भी अनपेड दिखा रहा है, बैंक के सर्वर की प्रॉब्लम है, और इन केसेस में 72 आवर्स में आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है, तो आप आराम से दूसरा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जैसे ही आपका पैसा वापस आ जाए, या फिर आप उससे पहले भी कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस जो आप करके देते हो उसको और डिलीवरी चार्जेस को मिलाकर जो रेट है वो एमआरपी से भी ऊपर जा रहा है, तो आप लगा लीजिए अगर एमआरपी पे ही हम उस पार्ट को बेचते हैं और तब उसमें डिलीवरी चार्ज लगाते हैं तो उसका प्राइस और ज्यादा हो, बिकॉज सी डिलीवरी चार्ज जो है वो स्टैंडर्ड चीज है। अगर आप एक बम्पर ऑर्डर कर रहे हैं, आप एक्स वाई जेड कोई भी पार्ट ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसका लॉजिस्टिक्स चार्जेस जो है उसके वॉल्यूमेट्रिक वेट पे डिपेंड करता है कि उसके बॉक्स का साइज कितना बड़ा हो रहा है और उस बॉक्स का वेट कितना। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके पास जो आपका प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है वो सेफली विदाउट एनी ब्रेकेज और एनीथिंग आपके पास पहुंच जाए। एक प्रॉपर क्वालिटी चेक होता है पार्ट को भेजने से पहले, और अगर एक छोटा सा भी स्क्रैच उसके ऊपर होता है पार्ट डिस्कार्ड हो जाता है, हम उसको नहीं भेजते। डिलीवरी चार्ज के लिए जो बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा अगर आप एक छोटा सा लेटर भी कहीं पे भेजते हैं तो उसके लिए भी आपको किसी भी कुरियर कंपनी को डिलीवरी पे करनी पड़ती है। और यहाँ पे तो हम कार के पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक छोटे से नट से लेके पूरा इंजन और बम्पर तक हो सकता है, हमें एक पूरी क्वालिटी इंश्योर करनी पड़ती है, हमें पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है जिससे पार्ट आपके पास सेफली और विदाउट एनी ब्रेकेज पहुंचे। क्वेरीज आती है कि आप लोगों ने हमारा पैसा ले लिया और आप इससे इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी ट्रांजैक्शन होती है, आप जो भी हमें पे करते हैं या फिर रिफंड बोर्डमो से आपको जनरेट होता है, तो इस ट्रांजैक्शन का एक छोटा सा अमाउंट होता है, कुछ परसेंटेज जो है वो पे करना पड़ता है बोर्डमो को, जो कि हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते, वो हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जो पार्ट बैक ऑर्डर में चला जाता है, सपोज कोई पार्ट बैक ऑर्डर में चला गया और आपने उसे कैंसिल कर दिया उस पार्ट को, तो आपके लिए तो वो कैंसिल हो गया, आपको हमने पैसा वापस कर दिया, बट हमें अपने एंड पे उस पार्ट को खरीदना पड़ेगा क्योंकि वेंडर ने उसे मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर लगा दिया है, तो वो हमारे लिए कैंसिल नहीं हो सकता, तो उस चीज का लॉस भी बोर्डमो खुद बेयर करता है। बट जस्ट टू सेव आवर कस्टमर फ्रॉम दिस मार्केट बिहेवियर, हम उस चीज का कस्टमर को कुछ चार्ज नहीं करते, तो जैसे ही बोलते हैं हमें ऑर्डर अपना कैंसिल करना है, हम ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। पार्ट कहीं भी अपने लोकल मार्केट या लोकल वेंडर से खरीदते हैं, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन बाद आप जाते हैं कि मुझे पार्ट नहीं पसंद आया या फिर मेरी गाड़ी में लग नहीं रहा, आप वापस ले लीजिए, तो वो 99% चांसेस हैं कि वो आपका पार्ट वापस नहीं लेगा। ऑन द अदर हैंड, हम आपको 10 डेज अश्योर रिटर्न गारंटी देते हैं, अगर आपको पार्ट आपकी गाड़ी में नहीं लगा, अगर आपको नहीं समझ आया पार्ट, आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। पार्ट को आप रिटर्न करना चाहते हैं उस पर जाना है और रिटर्न क्लिक करना है,
आपसे एक दो चीज़ें, आपसे डिटेल्स पूछेगा, आपको फिल करनी है और आपको एक दो बटन दबाने हैं और आपका रिटर्न क्रिएट हो जाएगा. Exactly. अगर आपने पेटीएम वॉलेट से पे किया है तो आपका अमाउंट पेटीएम वॉलेट में ही वापस जाएगा, और अगर आपने अपने कार्ड से, अपने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से पे किया है तो आपके अकाउंट में वापस जाएगा. इन केस अगर आपको लगता है कि आप पार्ट कहीं और से अरेंज करना चाहते हैं या फिर आपको कहीं और पार्ट सस्ता मिल जाएगा या जल्दी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं. और आपका पार्ट अगर अरेंज हो जाता है, ऑर्डर पैनल पे जाके सिंपली एक रिटर्न का बटन दबाइए और रिटर्न क्रिएट कीजिए. हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी, आपको बताएगी पार्ट पैक करने के लिए, और फिर हमारे जो कुरियर पार्टनर हैं, जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो आपके घर से पार्ट को उठा के लेके जाएंगे. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. कुछ केसेस में जो जाना पॉसिबल नहीं होता लॉजिस्टिक्स कंपनी का, तो उस जगह से आपको खुद पार्ट हमारे एड्रेस तक भेजना पड़ेगा. और ये बहुत एक्सेप्शनल कुछ एरियाज़ हैं, जैसे नागालैंड में कुछ एरिया हो गए, नॉर्थ ईस्ट के साइड के जो भी कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वरना ज़्यादातर जगह से हम खुद पिकअप करवा लेते हैं. हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप हम कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहते हैं. इनिशियली जो टाइम था, जिस टाइम हम बिल्कुल शुरू हुए थे, तब वो शायद इतनी बेटर नहीं थी जितनी वो आज है. और इसी हिसाब से आने वाले कुछ टाइम में, जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है, वी विल सर्टेनली मेक समथिंग कि फ्यूचर में क्या पता हम वॉइस असिस्ट भी लेके आए, जिससे आपको सिर्फ बोलना पड़े और आपको पार्ट अपना पता चल जाए. देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, और टीम इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग देयर बेस्ट. अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको कोई जीएसटी नंबर देने की जरूरत नहीं है. आप उस जो ऑप्शन जहाँ पे जीएसटी नंबर मांग रहे हैं उसे ब्लैंक छोड़ दीजिए. नॉर्मल एज अ कस्टमर आप आगे बढ़िए, आपको कोई जीएसटी नंबर देने की जरूरत नहीं है. बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, जब आप boodmo.com पे जाएंगे तो नीचे जाके आपको यहाँ पे दिखाई देगा FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पे देख सकते हैं और उनके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा होता है आपका जो बहुत जनरल टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले आप उसे रेज करने से पहले एक बार यहाँ चेक कर लीजिए. आपको हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा. आपको कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, आपको कैसे रिटर्न करना है, आपका रिफंड कितने टाइम में आएगा, बैक ऑर्डर क्या है, रिटर्न पॉलिसी क्या है हमारी, आपके ऑर्डर स्टेटस कैसे चेक करना है, हर सवाल का आंसर आपको विद फोटोग्राफ्स, आपको कहाँ जाके क्या क्लिक करना है, आपको हर चीज़ ये हमारे इस पैनल पे मिल जाएगी. सपोज आपको इस पार्ट की रिक्वायरमेंट है, इस हेडलैम्प की रिक्वायरमेंट, इसका प्राइस है 1,988 रुपये. तो इसे ऑर्डर करने से पहले एक बार आप नीचे OEM रिप्लेसमेंट्स देख लेंगे. OEM का बेसिकली मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. तो यहाँ पे जो पार्ट 1,988 का अवेलेबल है, वहीं पे उसकी रिप्लेसमेंट सेम टाटा की ओरिजिनल 1,626 रुपये में भी अवेलेबल है. ऑर्डर लगाने से पहले एक बार आप देख लें नीचे कि टाटा का मेरे पास एक रिप्लेसमेंट भी अवेलेबल है जो आपकी गाड़ी में लगेगा, बस पार्ट नंबर अलग है और प्राइस भी सस्ता है. प्राइस में फर्क होने का रीजन है, सपोज किसी वेंडर के पास ये स्टॉक में पड़ा है, पहले उसने ज्यादा खरीद लिया था, अब उसने डिस्काउंटेड प्राइस पे उसे ऑफर कर दिया है जस्ट उसे बेचने के. पैसा ज्यादा होने का मेन रीजन ये होता है, इट डिपेंड्स अपॉन वेंडर टू वेंडर. वेंडर कई बार ऐसा होता है कि अगर इंटरनेशनल वेंडर है तो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी और इंटरनेशनल जो कस्टम्स वगैरह होते हैं वो सब मिला होता है, तो इस वजह से प्राइस कई बार पार्ट्स का ज्यादा होता है. लेकिन अगर इंडिया के किसी वेंडर से आप खरीद रहे हैं तो प्राइस में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा. इसी के साथ अगर आप देखें, आफ्टर मार्केट बेसिकली होता है जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर होता है, OEM नहीं होते. बट कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर मार्केट ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं, जैसे लूमेक्स है. लूमेक्स का यहाँ पे जो लाइट अवेलेबल है वो 1,935 रुपये में अवेलेबल है. तो लूमेक्स हेडलाइट्स में इज अ बिग ब्रांड. ऐसे ही अगर आपने बॉश का नाम सुना होगा, बॉश भी एक आफ्टर मार्केट ब्रांड है. आफ्टर मार्केट में भी आपको सस्ता भी मिल सकता है और कभी कभी ऐसा भी होता है वो उसका प्राइस ज्यादा भी हो जाए. अच्छा देखो सर, जैसे लेट्स सपोज मुझे नहीं आता ऑर्डर करना, तो मैं कैसे ऑर्डर करूंगा, मुझे ऑर्डर करना सिखाओ. सपोज आपके पास पार्ट नंबर है तो आप कुछ नहीं करना, आपको पार्ट नंबर इस जगह पे पेस्ट करना है और उसको सर्च करना है. पार्ट आपके पास खुल जाएगा, आपको इसे ऐड टू कार्ट करना है या फिर बाय नाउ करना है. यहाँ से आपको क्वांटिटी चूज करनी है, आपको कितनी क्वांटिटी का पार्ट चाहिए. सपोज आपको 2 क्वांटिटी चाहिए. यहाँ से आपको प्रोसीड टू चेकआउट करना है, अपनी डिटेल्स भरनी होगी, आपका फोन नंबर, आपका पेन, आपका सारी डिटेल्स. सेव एंड कंटिन्यू करना है, अगेन प्रेस कंटिन्यू, प्लेस ऑर्डर. आपके पास पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा. एक और तरीका, अगर आपके पास पार्ट नंबर नहीं है, 2 ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, बाय कार और बाय विन. विन से हम पहले स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको कार मेक चूज करनी है, जो भी आपकी गाड़ी है, सपोज होंडा की आपकी गाड़ी है. यहाँ पे आपको विन नंबर टाइप करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर 17 कैरेक्टर का होता है. यहाँ आप डालेंगे, सर्च करेंगे, आपके पास उस गाड़ी का कैटलॉग मिल जाएगा. सेकेंड ऑप्शन इज बाई कार. तो बाई कार में आपको अपना जो मेक है गाड़ी का वो चूज करना है. उसके बाद आपको अपनी मॉडल लाइन चूज करनी है, जो भी आपकी गाड़ी है. ईयर सेलेक्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर है आपकी गाड़ी का. फाइनली आपको मॉडिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, कौन सी गाड़ी है. जैसा सर्च करेंगे आप डायरेक्टली उसके कैटलॉग पे चले जाएंगे. इंजन से, ट्रांसमिशन से, चेसी से, जिससे रिलेटेड पार्ट चाहिए आप उस पर जाइए. जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस पार्ट के आप बाय पे क्लिक करिए, पार्ट पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा और सेम आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है. सर ने जैसे बताया मुझे लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो चीज़ें एक सी लग जाती हैं, तो उनके लिए आपको क्वांटिटी 2 ही ऑर्डर करनी पड़ेगी. और जिनके अंदर लेफ्ट हैंड साइड अलग है तो एक आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का अलग है तो एक राइट हैंड साइड का ऑर्डर करना पड़ेगा. कुछ बात कर लेते हैं बाहर जाकर भी या कैसे एग्जैक्टली काम होता है. ये है पूरा का पूरा बूडमो का हब.
यश जी मुझे इंट्रोड्यूस करवाएंगे टीम के कुछ मेंबर्स से। यहाँ पर बैठे बैठे सभी इंक्वायरीज रिजॉल्व कर रहे हैं लोगों की, मोस्टली फेसबुक के कंसर्न रिजॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर कितने टिकट्स ओपन हैं या क्लोज हो गए या बेसिकली इंक्वायरीज जितने भी हैं। अच्छा, सर लीड कर रहे हैं बाकी इन सारी टीम को। मैं ही यहाँ पे एक अकेला हूँगा जो ये वाली टी शर्ट पहन के, मुझे एक्चुअली अच्छी लगी। सो आई होप अब तो आप क्लियर हो गए कि हम कहाँ से कहाँ आ चुके हैं यहाँ तक। तो अब मत कहना इस चीज़ के बारे में, मेरे से दोबारा मत पूछना। इसके बाद मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, उसमें इन्वेंटरी से रिलेटेड सब कुछ बताऊंगा, कैसे स्टॉक मैनेज होता है सारा। बस आज के लिए होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपके बहुत से क्वेश्चन रिजॉल्व हुए हो। मिलता हूँ पार्ट टू में, करते इस वीडियो को यहीं कहीं एंड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। बहुत अच्छा आ रहा है यार, वाइट वाइट सा बहुत प्यारा, बहुत लाइटिंग भी अच्छी है, ऐसी लाइटिंग जरूरत है आपको ऐसे। हां बिल्कुल एग्जैक्टली।